What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल तो guys, फाइनली आप लोगों के एग्जाम्स हो गए हैं ख़त्म और आप लोग आ गए हो फाइनली एक आखिरी बार इस इंसान की बात सुनने के लिए जिसकी बग 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 आप पिछले दो साल से सुन रहे हो तो आज एक बार और सुनते जाओ तो आओ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपसे करनी है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो कि कभी मैंने बोली नहीं बट आई रियली टू कि मुझे कभी मौका मिले तो मैं बोलूंगा तो आज फाइनली मौका मिला है तो जरूर बात करेंगे ज्यादा बड़ी नहीं पाँच सात मिनट बात करेंगे और फिर आपको फ्री करूँगा आप लोग भी रेस्ट करना अपनी लाइफ में इंजॉय करना और खूब आगे बढ़ना तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगैन सो बिकाइज़ आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों के सभी एग्ज़ाम्स अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे एंड अगर कहीं कमी भी रही है तो इट्स ओके okay. जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जहाँ लाइफ में अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है मार्क्स आपके एक सर्टेन लेवल तक ही मैटर करेंगे उसके बाद लाइफ बहुत बड़ी है लाइफ में तुम्हें बहुत आगे जाना है बहुत कुछ बड़ा करना है और तुम बहुत कुछ बड़ा कर भी लोगे एंड मेरी बहुत सारी गुड विशेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी कंप्यूटर्स का एग्जाम बाकी है वो लोग खूब मेहनत करना और इस एग्जाम को तुम लोग भी बहुत अच्छा करके फिर फ्री हो जाओ राइट तो इट्स द टाइम जब तुम्हें एक फाइनल अलविदा कहने का टाइम आ गया है क्योंकि तुम लोग एक स्टेज से आगे बढ़ गए हो है ना समय एक ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं है वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है मैंने जब फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ाया था इट वाज 2017 जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी तो 2017 पढ़ाया 18 पढ़ाया 19 पढ़ाया 20 पढ़ाया 21, 22, 23, 24 ट्वेंटी तो इतने साल ऑनलाइन मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए एंड हर साल बच्चे आते हैं इतना ज़्यादा प्यार करते हैं इतना ज़्यादा एक कनेक्ट बना लेते हैं उसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक खुशी होती है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं एक परसेंट आधा परसेंट जीरो पॉइंट वन परसेंट आपके करियर में कंट्रीब्यूट करा है कि कभी तुम जीवन में बहुत बड़े इंसान बन जाओगे लाइफ में तुम बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन पर पहुँच जाओगे तो कभी तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तु, तुम याद करोगे कि हाँ यार इस इंसान ने हमें बेसिक से हेल्प करा था हमारी कॉमर्स जर्नी में कि हाँ एक जैसे एक छोटा बीज बोते हैं ना एक छोटा बीज बोते हैं तो फिर वहाँ से पेड़ धीरे 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 बड़ा होता है और वो फिर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है तो वहीं से स्टार्टिंग से वो कॉमर्स की जर्नी शुरू होना बच्चों के बेसिक्स बिल्ड करना बच्चों के साथ रेगुलरली एंगेज करना वीडियोस बनाना पूरे पूरे दिन पूरे पूरे रात मेहनत करना उसके साथ अलग अलग सोशल मीडिया पे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं कभी मेरी वीडियो नहीं आती या कुछ भी इशू मैं बच्चों को बताता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी है तो इतने सारे मेल्स आना इतने सारे मैसेजेस आना तो ये चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि ये एक आम आदमी के लिए तो इतना प्यार मिलना इतना सपोर्ट मिलना इतना केयर मिलना तो मैं शायद बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि इतना शानदार परिवार मुझे मिला है मैं हमेशा से थैंकफुल रहा हूँ ऊपर वाले को मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ कि हे hey भगवान आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने मुझे इतना अच्छा एक इतना बड़ा परिवार दिया है इतना प्यार मुझे मिलता है मैं कहीं भी विजिट करता हूँ बच्चों से मिलता हूँ इतने सारे कॉलेज में जाता हूँ मैं देखता हूँ हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं तो वो चीज़ उसकी वैल्यू मैं लगा नहीं सकता दैट इज यू नो प्राइसलेस फॉर मी उसको को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि वो क्या फीलिंग है और मुझे इस टाइम पे समझ भी नहीं आता कि मैं तुम लोग को क्या बोलूं बहुत इमोशनल फील करता हूँ मैं इस टाइम पे कि एक ऐसा जर्नी जो छोटे छोटे से तुम्हें मैंने देखा कि तुम टेंथ से एलेवेंथ में आए तुमने कॉमर्स लिया बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे मन में थे तुमने पुटे, पुट इन करे कमेंट्स में पूछा कि क्या करना है कैसे करना है कैसे अकाउंट्स पढ़ते हैं कैसे बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं शुरू से तुम्हें पढ़ाया उसके बाद तुम ट्वेल्थ में आए ट्वेल्थ में तुमने बोर्ड्स को देखा तुम्हें लगा कि यार ये एक बड़ा चैलेंज है इसको कैसे करेंगे पहले दिन से मैंने तुम्हें बोला था कि तुम चिंता मत करना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और लास्ट मोमेंट तक तुम्हारा साथ देगा और मैं अभी भी ये बोलूंगा कि जर्नी खत्म नहीं हुई है दिस इज़ नॉट द एंड तुम्हें जीवन में कभी भी कहीं पे किसी भी फेस में तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे वहां पे पाओगे तुम्हें कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो और कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो तुम बिल्कुल बिना भे झिझक के अपने भाई को रीच आउट करो और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगा मेरे से जितना भी हो पाएगा मैं जो भी बेस्ट कर पाऊँगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा पूरा साथ दूंगा ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे से फिर क्लास ट्वेल्थ की जर्नी की बात करते हैं तो शुरू से सिलेबस करते हैं रिविजन करते हैं बच्चों ने बोला रिविजन में बहुत प्रॉब्लम है जी एन जी सीरीज बनाई दिन रात जाग के ट्वेंटी वन डेज में दिन में पाँच पाँच छः छः वीडियोज़ डाली क्योंकि उस टाइम पर इलेवेंथ के भी एग्जाम्स थे ट्वेल्थ के भी एग्जाम्स थे तो बहुत एफर्ट लगा कभी कभी मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यार छोड़ दे तुझे अपनी हेल्थ की फ़िक्र नहीं है तुझे पूरी पूरी रात सोना नहीं है मेरी आइज़ अप uh, हो जाती थी गला ख़राब हो जाता था एंटीबायोटिक्स पे काम करना बट यू नो वट वॉज द मोटिवेशन द मोटिवेशन वॉज वो एक एक बच्चे का करियर जो बनेगा वो एक एक बच्चा जिसके पास शायद रिसोर्स नहीं है जिसके पास शायद कोई अच्छा स्कूल नहीं है कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कोई अच्छा आसपास फैकल्टी नहीं है और वो बच्चा घर बैठ के आराम से यूट्यूब पर पढ़ रहा है और उसका करियर बिल्डिंग हो रहा है इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने अपना लॉ प्रैक्टिस क्यों छोड़ा या आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे आपने वो सब छोड़ के टीचिंग ही क्यों चुना अब मैं उनको कैसे एक्सप्रेस करूं यार कि मैं इतना प्यार मुझे कहाँ मिलता किस तरीके से मिलता तो मैं आप लोगों को बस यही आपके लिए विश करूंगा कि आप लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ो ये तो एक छोटा सा फेस था एक बेसिक्स थे हमने बनाए लेकिन इस छोटे से फेस में जो रिश्ता बनाए ना जो कनेक्ट बना है मतलब आ बच्चे अभी भी मेरे टच में हैं पिछले सात आठ साल दस साल पहले जो मेरे से पढ़े हैं कनेक्टेड रहते हैं आप लोग भी कनेक्टेड रहना इस YouTube चैनल के साथ ये YouTube चैनल आप ही का है ठीक है इसके बाद हम और भी चीजें करेंगे हम लोग CUET के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जितने आपके सी एस सी में एग्जाम्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें मैंने बोला ना दिस इज नॉट दी एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और करते चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को कुछ चैनल्स के लिंक दूंगा जिसमें सी यू ई का चैनल है जिसके अंदर हमारा ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बी बी ए बी कॉम वाले बच्चों के लिए चैनल है जिसपे वीडियोज़ बन रही हैं और बहुत अच्छा प्यार मिलता है उन चैनल्स पर भी तो आप लोगों के बहुत काम आएंगे उनको भी सब्सक्राइब करना तुम्हारी अगली जर्नी में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट एक छोटा सा रोल निभाऊँ राइट बस मैं यही कहूँगा मिस यू ऑल अलॉट आप सबकी बहुत याद आएगी आपके डेली के कमेंट्स आपके रोज रोज के मैसेजेस आपका इतना प्यार आपका इतना सपोर्ट और एक परिवार की सुबह उठना और बच्चों के कमेंट्स बच्चों के मैसेजेस बच्चों के मेल्स कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं मुझे आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ बट दिस हैज टू हैपन है ना जीवन का नियम है कि तुम्हें आगे बढ़ना है मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और लाइफ में बहुत ग्रो करो और लाइफ में बहुत बड़े बनो राइट right? और बस यही विश करूँगा मैं मेरी सारी गुड विशेज आप सभी के लिए द जर्नी वॉज ब्यूटिफुल लाइफ इज़ नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन इट इज अबाउट द जर्नी और हमने वो जर्नी साथ में अच्छे से इन्जॉय करी है पहुँच तो सब जाएंगे अपनी अपनी मंजिल पर जो रास्ता है ना वो खूबसूरत होता है और वो बहुत खूबसूरत है और वो बहुत खूबसूरत रहा और आगे भी और खूबसूरत होगा तो ऑल माई गुड विशेज फॉर यू वाइज कनेक्टेड रहना इंस्टाग्राम पे मेरे डेली शॉर्ट मिनी ब्लॉग्स देखते रहना अपने कमेंट्स करते रहना बताते रहना कि तुम लोग लाइफ में क्या कर रहे हो एंड उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्लान करेंगे फर्दर कुछ अच्छे अच्छे मीटअप्स प्लान करेंगे उसके बारे में भी सारी की सारी डिटेल्स मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा यूट्यूब पर भी डालूंगा तो इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड रहना और जो चैनल्स मैंने आपको बताए हैं बी के लिए सी यू .E के लिए अभी बहुत सारी जर्नी आगे है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे ज्वाइन करना और मेरा बहुत सारा प्यार बहुत सारी वर्चुअल हग्स आप लोगों के लिए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो जीवन में रुकना नहीं जीवन में घबराना नहीं चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी इश्यूज बहुत सारे आएंगे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे जो तुम्हारी टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेंगे पर तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर बहुत करेज है तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो और कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हें रोक ले तुम जीवन में बहुत 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 आगे जाओगे और तुम बहुत बड़े बनोगे अपने सारे ड्रीम्स हैं जो वो तुम अचीव करोगे राइट तो मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे ठीक है और फेस टू फेस मिलेंगे ऑनलाइन मिलेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे तो कनेक्टेड रहना राइट एंड सी यू टी मैं ज़रूर कराऊंगा आप लोगों को सीए के लिए भी हम कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लेके आएंगे तो जितने भी बच्चे कुछ प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी जो बच्चे सी यू टी की तैयारी करेंगे उनके लिए भी दोनों ही तरीके के कोर्सेज यूट्यूब पर भी और पेड कोर्सेज़ भी जो हम बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो भी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेज आज ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे और अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो आप लोगों को लगा हो कि मैंने एक परसेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करा है तो जो भी आपने फील करा जो भी आपने आ, आपको अच्छा लगा या जो भी आपके इमोशंस हैं जो भी आपके मैसेजेस हैं आप मुझे ज़रूर लिखना कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिखना आप मुझे स्नैपचैट पर लिखना आप मुझे फेसबुक पर लिखना जहाँ जहाँ पर भी लिंकड इन लिखना जहां पे भी, भी आप लिख सकते हो लिखना मैं सबके रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा बट मैं पढ़ने की ज़रूर कोशिश करूंगा ज्यादा से ज़्यादा बच्चों को कि क्या आपके इमोशंस रहे हैं क्योंकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ मैं कभी तुम्हारे से मिलूंगा तो तुम्हें बता पाऊंगा वट आई वट एंड हाउ आई फील बट फिलहाल बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है एक एक शब्द बहुत मुश्किल है वेल ऑल द वेरी बेस्ट एवरी वन माई गुड विशेज एंड जीवन में किसी और जर्नी पे ज़रूर मिलते हैं और कुछ और अच्छा करते हैं माई ऑल गुड विशेज़ माई ब्लेसिंग्स माई लव इज़ ऑलवेज़ विद यू थैंक यू सो मच एवरी